नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11 kV लाइन फॉल्ट के बारे में। जो 11,000 लाइन होता है, बिजली का लाइन होता है, उसको फीडर कहा जाता है। जैसे 11 kV होता है फीडर, 33 kV फीडर होता है, और जो 440 लाइन वो LT लाइन होता है। तो जो 11 kV फीडर है, इस आप इमेज में देख सकते हैं, एक फॉल्ट हुआ है जो आपका पक्षी जो है आपको जाके यहाँ पे दोनों जो फेज होता है RYB, तो दो फेज में जाके ये फंस गया और इसकी करंट लगने से मौत भी हो गई, और हमारा 11 kV लाइन जो है फॉल्ट हो गया। तो जनरली जो फॉल्ट होता है, या तो बारिश के टाइम में, या आपका बहुत सारा आंधी तूफान आया हो, तब होता है। लेकिन कई कई किस्म में हर चीज़ नॉर्मल है, आपको एकाएक जो है लाइन फॉल्ट आ जाएगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो इस सब केस में क्या हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं पक्षी जो है वो लाइन से टकरा जाता है, या वो उसमें आके मर जाता है, तो आपका जो है फेज टू फेज हो जाएगा, या कभी कभी जो है ब्रैकेट पे तार आ जाएगा और उसके आपका किसी एक फेज के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा, तो वो आपका फॉल्ट हो सकता है। उसी तरीके से आप सपोज कीजिए कि अब यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली कि वो फेज टू फेज हो गया है, साथ ही जो है आपका जो भी ब्रैकेट है उस पर भी जो है वो कनेक्ट हो गया है, इसके वजह से लाइन हमारा फॉल्ट हो गया है। तो जो फॉल्ट आपका जनरली इस तरीके का फॉल्ट जहाँ पे पक्षी की वजह से होता है, जनरली आपका देखिए कौवा की वजह से हो सकता है, आपका चमगादड़ की वजह से हो सकता है, आपका बंदर की वजह से हो सकता है, और आपका जो उल्लू की वजह से हो सकता है। तो ये सब चीज़ ज़्यादा कनेक्ट होता है इससे, तो आप ये मर भी जाता है और वहाँ पे आपका फॉल्ट कर देता है। और ये सब जनरली ज़्यादा केस हम लोग को देखा गया है कि यह मॉर्निंग टाइम में होता है या इवनिंग टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो है बर्ड्स वगैरह ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपने देखा भी होगा। और इवनिंग टाइम में क्या होता है, वो लोग फिर वापस आते हैं, तो उस समय ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है। तो इस दो पीरियड में क्या होता है, आपका फॉल्ट होने का संभावना जो है पक्षी की वजह से ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में आप इस तरीके से देख सकते हैं। मुझे हाल ही में एक तरीके का फॉल्ट मिला मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। धन्यवाद।